महासमुंद जिले की सरायपाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पदमपुर रोड ओवरब्रिज के पास हाथ में चाकू लेकर राह चलते लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करने वाले आरोपी हरेश महापात्रा को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा में महाराजपुर पेट्रोल पंप के पास पुलिया से टकराकर हुई जबरदस्त दुर्घटना में सहसपुर लोहारा के पशु चिकित्सक हेमलाल पनागर की मौत हो गई, वहीं उनकी पत्नी मधु व 1.5 वर्षीय बच्ची सुरक्षित हैं। सुकमा जिले में माओवादी संगठन को फिर झटका लगा है। हिंसा का रास्ता छोड़कर DAKMS अध्यक्ष सहित 9 नक्सलियों ने पुलिस और CRPF अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर माओवादियों ने पुलिस CRPF के 217वीं और 212वीं बटालियन के अफसरों के सामने मरईगुड़ा थाना में आत्मसमर्पण किया है। सप्ताह भर पहले कोरबा से तबादले के बाद बस्तर में बतौर उप संचालक खनिज ज्वाइनिंग देने वाले SS नाग के धर्मपुरा स्थित रामा रेसिडेंसी कॉलोनी स्थित निवास में गुरुवार की सुबह 6 बजे रायपुर से आई टीम ने छापामार कार्रवाई की। संभावना जताई जा रही कि कोयला कारोबारियों के यहां पड़े छापे में इनपुट मिलने के बाद नाग के यहाँ छापा मारा गया है। राजनांदगांव जिले के साइबर सेल व सोमनी थाना पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर नागपुर की ओर से आ रही स्विफ्ट कार को घेराबंदी कर पकड़कर कार की डिक्की से प्रतिबंधित कोडिन कफ सिर्फ 118 नग 120 नग नशीला कैप्सूल के साथ दुर्ग केलाबाड़ी निवासी कार सवार 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर में जिला बदर हिस्ट्री सीटर मेडी को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी देर रात राजेंद्र नगर चौक में बिलासपुर में वापसी के बाद मेडी अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था। इसी दौरान जब मेडी की गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें स्टिक, बेसबॉल बैट जैसे आपत्तिजनक चीजें बरामद होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरबा जिले के बालको वन परिक्षेत्र के ग्राम केसलपुर में बन रहे बायोडायवर्सिटी पार्क से लोहे के एंगल चोरी करने वाले दो आरोपियों को बालको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 26 नग एंगल जब्त किए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला सूरजपुर में पदस्थ जुगेश्वर प्रसाद सहायक 2 ने विद्यालय के मान्यता के नवीनीकरण कार्य के एवज में 15,000 रुपए मांगा था, जिसे प्रार्थी ने 15,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वा दिया। इसी तरह नीलकमल सोनी पटवारी 13/18 कोका भिलाई नगर द्वारा 6,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। प्रार्थी से मांगी गई रिश्वत की कुल रकम 6,000 रुपए लेते पटवारी कार्यालय जामुल से पकड़ा गया। रायपुर के माना बस्ती स्थित RS ढाबा में विवाद एवं मारपीट के बाद विजेंद्र मारकंडे उर्फ लल्ला की हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 फरार आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं इस प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी फरार हैं। बलौदा बाजार जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम करमनी डी में दिन दहाड़े धारदार हथियार से तालाब में नहाने गई महिला चमेली टंडन की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पुलिस ने गांव के ही आरोपी युवक संतू राम दिवाकर के खिलाफ अपराध दर्ज कर पता साजी शुरू कर दी है। पटवारी इंदिरा मनोचा का रुपये लेन देन का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि पटवारी इंदिरा मनोचा दुर्ग पटवारी हल्का नंबर 50 तहसील जिला दुर्ग में पदस्थ है। निलंबन के दौरान पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय दुर्ग रहेगा। बिलासपुर के तखतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोशल मीडिया पर एक लड़की के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर उसे बदनाम करने वाले आरोपी धर्मेंद्र टंडन को तखतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
बिलासपुर के हृदय स्थल राजीव प्लाजा पुराना बस स्टैंड में जिला अस्पताल की ओर से आने वाले गेट में जय महाकाल साउथ इंडियन डोसा इडली कॉर्नर संचालित किया जाता है। गुरुवार शाम को यहां दो बदमाश डोसा खाने पहुंचे थे, जो चटनी मांग कर बार बार डोसा दुकान संचालक को परेशान कर रहे थे। जब उसने टोका तो फिर दोनों भड़क गए और उससे विवाद करते हुए लाल जूते से पिटाई कर दी। सारंगढ़ के कोसीर थाना क्षेत्र में 4 साल के बच्चे को शराब पिलाने से मना करने पर पहले तो बच्चे के माता को पीटा। जब मामला शांत नहीं हुआ तो बच्चे के माता द्वारा बच्चे के पिता को कॉल करके बुलाया गया। जब धनीराम रोहित दास अपने छोटे बच्चे को शराब क्यों पिलाए हो पूछने पर आरोपियों ने मिट्टी के ईंट से उसके चेहरे को रगड़कर लात घूंसे मुख को डंडों से बुरी तरह से पिटाई कर दी। सारंगढ़ थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गुड़ेली में दो वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। सारंगढ़ से रायगढ़ की ओर जा रही पिकअप और वहीं रायगढ़ की ओर से आ रही 4-चक्का वाहन चालक के बीच दुर्घटना हुई, जिसमें फिलहाल दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के टुप्पी जंगल में गुरुवार को दो दंतैल हाथियों ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। वहीं अलग डीहा जंगल में 25 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों के दल ने 5 दिन में धान व मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाया है। बिलासपुर की तोरवा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बिलासपुर तोरवा रेलवे स्टेशन गेट नंबर 4 के पास अपने पास रखे बैग में अवैध रूप से गांजा रखकर बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे 3 आरोपियों को पकड़कर उनके बैग से 70,000 रुपए कीमत का गांजा जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विश्रामपुर नगर के माइनस कॉलोनी निवासी इंजीनियरिंग छात्रा व उसकी बहन से HECL में नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 9 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में विश्रामपुर पुलिस ने एक आरोपी संतोष कुमार सोनवानी को जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पौंच से गिरफ्तार किया है। मामले के 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। भट्टी थाना पुलिस एवं CRPF यूनिट की संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थिति में एक ट्रक को TND बिल्डिंग के पीछे झाड़ियों में लोहा ब्लूम को गिराते देखकर एरिया सर्च कर घेराबंदी कर 2 आरोपियों योगेंद्र यादव व सेवाराम यादव को पकड़ा गया। आरोपियों से पूछताछ कर उनकी निशानदेही पर अशोक कुमार निर्मलकल व चंद्र प्रकाश कुशवाहा को पकड़ कर लोहा चोरी का खुलासा करते हुए 10 लाख रुपए कीमत का 9 टन 960 किलो ब्लूम लोहा चोरी में प्रयुक्त ट्रक को जब्त किया है। रायपुर गंज थाना पुलिस की टीम ने थाना गंज क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा के पास हाथ में बटनदार धारदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करते आरोपी गुरजोत सिंह मिशन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे 1 नग बटनदार धारदार चाकू जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक में संचालित देशी मदिरा दुकान और कंपोजिट देशी मदिरा दुकान से 5,76,000 से ज्यादा की चोरी हो गई, जिसमें अधिकतर नकदी रकम शामिल है तो 30,000 की शराब भी चोरी हुई है। गुंडरदेही पुलिस मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में कोरबा जिले में HECL कोयला खनन परियोजनाओं में विस्थापन प्रभावित गांवों के बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर बेरोजगारों ने CMD का मुखौटा चेहरे पर लगाकर कबीर चौक से रैली निकाली तथा कुसमुंडा HECL मुख्यालय के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। दंतेवाड़ा में बचेली NMDC के मुख्य गेट पर स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी देने की मांग को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा की अगुवाई में सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठ गए। आंदोलन कर रहे लोग स्थानीय को काम नहीं तो रेल बंद के नारे लगा रहे थे। यूपी के आजमगढ़ जिले में 2 दिन पहले अपहरण के एक मामले में पुलिस ने भिलाई और बालोद के पशु और दूध व्यापारियों समेत
ड्राइवर को गिरफ्तार कर दो कार जब्त किया है। कार क्रमांक CG07BG6600 के मालिक शशांक तिवारी निवासी डोंडी जिला बालोद के नाम से और CG CD6649 वीरेंद्र यादव निवासी नंदनी रोड पावर हाउस के नाम से रजिस्टर्ड है। बालोद जिले में डोंडी लोहारा वनांचल के ग्राम मंगचुआ स्थित शासकीय पशु औषधालय का भवन कमजोर हो गया है। गुरुवार को पशु चिकित्सक डॉक्टर ममता रात्रे अपने कार्यालय में बैठी थी, उसी समय अचानक छत का प्लास्टर गिरा। इस हादसे में डॉक्टर ममता रात्रे बाल बाल बच गयी। बिलासपुर के सीपत थाना के ग्राम मोहरा में पुश्तैनी जमीन के विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई और उसके दो बच्चों पर कातिलाना हमला कर दिया। घटना में घायल सभी पीड़ितों को सिम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महासमुंद जिले की कोमाखान थाना पुलिस ने कोमाखान सहकारी बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे किसान प्रेमलाल निषाद को रास्ते में अज्ञात मोटरसाइकिल चालक द्वारा रोक कर नकली नोट रखे हो कहकर जबरन जेब से 10,000 रुपए लेकर फरार होने वाले आरोपी को खेत में काम कर रहे मजदूरों की मदद से गिरफ्तार कर लूट की रकम व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। कोरबा जिला की उरगा थाना पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कार्य हेतु ऑफिस के पीछे विभिन्न प्रकार के सरिया बंडल से लगभग 10 क्विंटल सरिया चोरी करने वाले आरोपियों राम नरेश कुर्रे, बसंत कुमार, कुमार साय, रामलाल कोसले को मुखबिर की सूचना पर पकड़कर पूछताछ कर चोरी का 10 क्विंटल सरिया जब्त किया है। उतई थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव छाटा में स्थित पत्थर खदान में बीती रात गोड़पेंडरी के युवाओं ने जाकर रात भर जमकर तांडव किया। ऑफिस का दरवाजा खिड़की के शीशे को तोड़कर पूरा सामान को बिखेर दिया है। इस तोड़फोड़ की घटना में खदान संचालक को हजारों रुपए की क्षति होने का अनुमान है। घटना की सूचना मिलते ही उतई पुलिस के द्वारा उत्पाती युवकों को हिरासत में लिया गया है। नवनिर्मित खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की छुई खदान पुलिस ने बुजुर्ग महिलाओं से रास्ता पूछने के बहाने बातों में उलझाकर सोने के जेवरात लूटकर मोटरसाइकिल से फरार होने वाले तीन आरोपियों विवेक चंद्राकर, अवध ध्रुवे व लूट का जेवर खरीदने वाले रवि वर्मा को पकड़कर उनके पास से 12,000 रुपए कीमत का जेवर व लूट में प्रयुक्त बाइक को जब्त किया है। महासमुंद जिले के सरायपाली में पतेरापाली स्कूल के सामने चल रहे अंतरराज्यीय सेक्स रैकेट गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। किराए के मकान में देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा था। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए देह व्यापार में संलिप्त एक महिला दलाल, एक ग्राहक सहित 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है।